हरदोई के थाना माधवन क्षेत्र के रूदामऊ में किसी दिन एक बड़ी दुर्घटना घट सकती है। ग्राम सभा रूदामऊ में बिजली के तारों की बड़ी लाइन ऐसी है किसी भी वक्त मौत को दावत दे सकती है। इस लाइन की वजह से ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। आए दिन खेतों से निकली लाइन व महाविद्यालय के अंदर से निकले तार किसी भी वक्त किसानों को लेकर या विद्यार्थियों तक जान का खतरा हो सकता है। ग्रामीणों का कहना है कई बार वह इस समस्या को लेकर बिजली विभाग पावर हाउस पर जाकर उन्होंने लिखित कंप्लेंट की, लेकिन वहां बैठे अधिकारी ने एप्लीकेशन तो ले ली लेकिन आज तक उस समस्या का समाधान नहीं हुआ। उनके कागज़ पर खाना पूर्ति कर देते हैं, एक खंभे से लेकर दूसरे खंभे तक जब तक तारों में 10 डंडे नहीं बन जाते तब तक यह तार रुक नहीं सकते। जगह जगह जोर पड़ने से तार काफ़ी ज़्यादा टूट चुके हैं और बार बार उनको जोड़ने से खराब भी हो चुके हैं। इसके चलते ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अधिकारियों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। समस्या क्या है, यहाँ पे जो है लाइनें हैं लंबी थोड़ी और हल्के तार भी कमज़ोर हो चुके हैं और गांव काफ़ी बड़ा है और लोड भी लाइन पर ज़्यादा है। ये गांव बड़ा होने का कारण यही है, अगर ये लाइन दो भागों में अगर बट जाती है तो इसका निराकरण हो सकता है, क्योंकि एक जगह से काफ़ी दूरी कर तय करना लाइन भी LT लाइनें चलने में असक्षम हो जाती हैं। इसी वजह से लाइनें दिक्कत कर रही हैं, टूट तार भी टूट रहे हैं रोज। जो लाइन ये तारों की पड़ी हुई है, ये तार जर्जर के लाइनें पड़ी हुई हैं, क्या अपने अधिकारियों को आपने इसकी सूचना दी? जी हाँ, अधिकारियों को सूचना दे रखी है हमने लाइनों के बारे में, वहाँ हल्के तार जो हैं जर्जर हैं। अभी तक क्या आपको वहाँ से कोई जवाब मिला? अब वो तो अधिकारी ही बता सकते हैं, हमें जो करना था वो हमने कर दिया। अधिकारी मौन हैं क्या? अब अधिकारियों को हमने बता दिया है, बाकी उनका काम है, उनसे ऊपर अधिकारी हैं, क्योंकि JEE के हाथ में पूरा होता नहीं, जो हर सामान मुहैया करा दे उसके ऊपर भी अधिकारी बैठे हैं, उनका भी इसमें रोल बनता है कि उसके पास करवाने में लाइनें पास होती हैं अलग से।